हेलो दोस्तों, सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में उत्तराखंड से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बन गया जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सहकारी समितियों में 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम इसमें डिटेल से बात करेंगे। अगर आप एक बैंकर हैं और JIB CIB की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो भी खबरें होती हैं इस चैनल पर आती रहती हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में ये अनाउंसमेंट हो गया है, न्यूज़पेपर्स में इस खबर को प्रसारित किया जा रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो स्क्रीन में ये माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि उत्तराखंड पहला राज्य जहां समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण होगा। अब इन्होंने कहा है कि ऐसा करने से जो है पारदर्शिता आएगी। तो यहाँ पर 33% जो आरक्षण मिलेगा उसका जो बेनिफिट है प्रदेश की 670 सोसाइटियों को मिलेगा और 10 जिला जो राज्य सहकारी बैंक है उसमें भी मिलेगा। दोस्तों, सरकार के इस फैसले से जो लाभ मिलेगा वो केवल बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को ही नहीं, जो 10 जिला सहकारी बैंक है, उत्तराखंड का राज्य सहकारी बैंक है और उत्तराखंड का राज्य सहकारी संघ है, आवास निर्माण सहकारी संघ है, प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन है, उपभोक्ता सहकारी संघ है, रेशम फेडरेशन है, उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, उत्तराखंड भेड़ बकरी एवं सशक्त फेडरेशन है, मत्स्य सहकारी संघ है और श्रम निर्माण संविदा सहकारी संघ है, उत्तराखंड सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ, उत्तराखंड साइलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ, उत्तराखंड मत्स्य सहकारी संघ प्रतिनिधित्व। तो इन सारे जो भी सहकारी से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रदेश में जो भी चल रहे हैं उन सब में इनका लाभ मिलने वाला है। और ये खबर जो है अखबारों ने प्रमुखता से छापी है। इसके लिए राज्य सरकार ने जो है जगह जगह पर जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह के होर्डिंग्स जो हैं लगाए गए हैं। और इसमें जो है जब से डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने इसका चार्ज लिया है तब से नए नए प्रयोग आते रहते हैं, जैसे CBS का जो है विप्रो को दोबारा से दिया जाना। सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है उत्तराखंड के जितने भी सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक में एग्ज़ाम जो है IBPS द्वारा कराना। तो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था और इस बार जो है अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। भर्तियों में हो रही धांधलियों की जांच करवाना। तो इस तरह कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड की सहकारी समितियां और सहकारी बैंक सशक्त हो। अभी हाल ही में न्यूज आई है कि जो प्रबंध निदेशक महोदय हैं उनका भी ओपन सोर्स से वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो उनका भी जो है अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी खबर कोऑपरेटिव सोसाइटी से यानी सहकारी समितियों से लेकर, और ये खबर खास कर से उत्तराखंड से रिलेटेड थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।